मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले दिनों में आपकी ओर से अपेक्षाएं भी बहुत है और कोई कैंपस होता है, कोई हॉस्टल होता है, इट इज़ नॉट अ मियर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मुझे याद है कि जिन्होंने हमें संविधान दिया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिसमें पढ़ रहे थे और जिस घर में रहकर वो लंदन में पढ़ते थे, उस घर की नीलामी निकली तो कई लोगों ने हमको ये कहा कि ये प्रेरणा का स्रोत है, ये घर नीलाम नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने वो घर खरीदा और वहाँ पर हम लोगों ने एक म्यूजियम जैसा तैयार किया जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लेटर्स है, जिसमें उनका काम है। और उस समय जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया और वहाँ पर जब वहाँ के फैकल्टी से मैं बात कर रहा था, तो आज भी वो याद करते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो ये जो बात होती है, वो जो घर है, आज लोग जब वहाँ जाते हैं उस घर में, वो तो किसी और घर की तरह घर है, लेकिन वो प्रेरणा पुंज है, क्योंकि हमारे देश के एक सबसे बड़े विचारक वहाँ रहकर पढ़ते थे, तो हमारे देश से जाने वाले सभी लोग आजकल वहाँ जाते हैं और वहाँ प्रेरणा पाते हैं। इसलिए कोई भी घर या कोई भी रहने की जगह, या केवल घर या रहने की जगह नहीं होती, तो व्यक्ति अपने वास्तव्य से, अपने अस्तित्व से और अपने कर्तृत्व से उसको बड़ा बनाता है। ऐसे ही आप लोग इस हॉस्टल में रहकर इसको बड़ा बनाए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।